तो जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से मंदिरों में इस बार जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र नहीं आ रही और लोग भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में आने के लिए सख्त मनाही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन हमारा ये प्रयास था कि सांबा से भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाए जाएं आज के इस पावन त्यौहार पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर। और मैं इस वक्त सांबा के शिव द्वाला टेम्पल में मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको भगवान लल्ला के दर्शन करवाना चाहता हूँ। और ये स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आज करिए, क्योंकि सब श्रद्धालु, सब जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं वो मंदिरों में तो आना चाहते थे, लेकिन वजह एक ही है, कारण एक ही है, कोरोना वायरस के लगातार जो ये बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारा ये प्रयास था कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन मंदिर से करवाए और आप घर बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप कामना करिए भगवान श्री कृष्ण से कि ये जो महामारी है, ये जो कोरोना वायरस है, ये जल्द ख़त्म हो जाए और इस वायरस से निजात मिले। और अगले वर्ष जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार एक बार फिर से जब आएगा तो मंदिरों में उसी तरह से जो लोगों की भीड़ हो, लोग यहाँ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे, भगवान लल्ला के दर्शन करने के लिए पहुँचे, श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हो और समारोह होता है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिले। लेकिन इस बार एक ही कारण है, कोरोना वायरस। तो आप साफ तौर पर ये दर्शन आप करिए, मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मंदिर से आज दर्शन करवाए जाएं। और उसके बाद यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी आज के इस पावन दिन पर एक संदेश लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये दर्शन करिए और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान लल्ला आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक झूले में विराजमान है और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वो धरती पर हुआ। और गीता में भी एक संदेश जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, समय में बदलाव ज़रूर होता है और उम्मीद की जा रही है। हम यही कामना कर रहे हैं, ये समय भी जो इस समय एक ख़राब समय चल रहा है, कोरोना वायरस भी चल रही है, ये भी आने वाले दिनों में निजात मिलेगी। मैं आपको मंदिर की ओर भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले संदेश लेना ज़रूरी है यहाँ के महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज जी से। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वो आज के दिन क्या संदेश जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं उन्हें देना चाहते हैं। महाराज जी, क्या संदेश आप आज के इस पावन दिन पर देना चाहते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की सारे देशवासी, जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के सारे मंदिरों के निजी कपाट बंद हैं। मुख्य पुजारी यहाँ पर मौजूद है। कोरोना व्यवस्थाओं के अंदर जो हर्ष उल्लास के साथ जो जन्माष्टमी मनाई जाती थी, इस वर्ष नहीं मनाई जा रही। अधिकांश मंदिरों के कपाट बंद होने के कारण भक्त लोग बाहर से मथा टेक के चले जाते हैं। आज रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हम विशेष आरती और पूजा करेंगे और ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि इस पूजा के बाद कोरोना महामारी का नाश हो। और हमें विश्वास है कि रात्रि भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कोरोना नाश की हम मन्नत प्रार्थना करेंगे। महाराज जी, गीता में भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने कि समय वो बदलेगा जरूर, क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन रूटिया वही धनुष वही बाण। हर एक ऐसा समय नहीं रहता है और हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि कोरोना महामारी का नाश होगा और जल्दी ही हम लोग इनसे मुक्त होंगे, ये भगवान के श्री चरणों में अरदास करेंगे। और हमें ये विश्वास है
कि भगवान की पूजा अर्चना करने से कोरोना का नाश होगा। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराज जी का भी साफ तौर पर कहना है कि ये समय जरूर एक नया समय आएगा, एक नया सवेरा होगा और इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। और एक बार फिर से मैं आपको ये दर्शन करवाना चाहता हूँ भगवान लल्ला जी के, क्योंकि आज का ये जो पावन दिन है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता था कि आपको मंदिर से ही भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाए जाएं। और मैं मंदिर का भी एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ, मंदिर परिसर का, कि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात की जाती है। तो यहाँ पर जो चंद लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो सेवादार हैं मंदिर के, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उन्होंने किया है। और सब लोग जानते हैं कि यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र मंत्र है, और इस मंत्र को आपने तब तक अपने साथ लेकर चलना है, इस मंत्र को तब तक जपना है जब तक इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती। तो ये साफ तौर पर आप दृश्य मंदिर परिसर का देख रहे हैं, पूरी तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया है। और सबको यहाँ से भी सीख लेनी होगी कि अगर आप मंदिर परिसर में जाते हैं तो आप लोग ज़्यादा तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब भी जितने भी जाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। तो ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं सभी जो हमारे भगवान हैं मैं उनके दर्शन आपको करवा रहा हूँ। ये साफ तौर पर देख सकते हैं, ये भगवान श्री परशुराम जी हैं, और उसी के साथ साथ ये आप सारे देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पर आज जेके मीडिया के माध्यम से करिए और कामना करिए, प्रार्थना करिए भगवान से महामारी जल्द उसी तरह से दिन नजर आए जिस तरह से पहले हर त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। ये चंडी के दर्शन भी आप करिए, ये साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चंडी माता का दरबार है, ये शिवद्वाला मंदिर परिसर के अंदर सभी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां यहाँ पर, और ये दर्शन हम आज आपको जेके मीडिया के माध्यम से करवा रहे हैं। ये साईं बाबा जी के दर्शन भी आप यहाँ पर करिए, और सब देवी देवताओं से आप आशीर्वाद आज प्राप्त करिए। मैं सुंदर तस्वीर भी आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मंदिर परिसर में ही राधा कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति है, मैं उसके भी आपको आज दर्शन करवाऊंगा। ये आप साफ तौर पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँगा, ये गुरु दत्तात्रेय भगवान जी की मूर्ति है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये माँ शेरावाली जी की मूर्ति है, ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि से आप कर सकते हैं, और उसके लिए भी अब माता वैष्णो देवी के कपाट भी खुल जाएंगे। और उससे पहले आज आप जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार पर, पावन उपलक्ष पर आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये बजरंग बली जी की सुंदर मूर्ति, आप इनके भी दर्शन करिए, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। और सुंदर तस्वीर, सुंदर नज़ारा है जो आप साफ तौर पर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ से श्री राम लक्ष्मण सीता और उनके श्री चरणों में बजरंगबली भगवान जी विराजमान हैं। और ये देखिए, मैं आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन भी करवा दूँ। ये देखिए, हमारा यही आज प्रयास था कि आप लोग तो मंदिरों में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम आज के इस पावन त्योहार पर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करवाएं, सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाएं, और आप सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप लोग इसी तरह से सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी की हम कामना करते हैं। और ये आप, ये सुंदर नज़ारा जो है ये शिवद्वाला मंदिर सांबा से देख रहे हैं। अब मैं जाते जाते एक बार फिर से आपको भगवान लल्ला के दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये आप शंभू भगवान हैं, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की जो मैं आपको जेके मीडिया के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको भगवान लल्ला के पास ले चलता हूँ और जाते जाते आपको उनके भी दर्शन करवाता हूँ। तो ये सुंदर तस्वीर है आज की भगवान श्री कृष्ण की।
तो आप लोग यूं ही इसी तरह से सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो तक आप लोग घरों पर ही अपने जो घरों पर पूजा के स्थान बनाए हैं वहीं पर आप देवी देवताओं की भक्ति करिए, पूजा करिए और उनसे कामना करिए, प्रार्थना करिए कि इस महामारी से जल्द निजात मिले और अगले साल जब जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार आएगा तो उसी तरह से जिस तरह से पहले ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी रौनक देखी जाती थी, वही रौनक एक बार फिर से लौट कर आए, इसी की आप कामना करिए। और हम भी यही कामना करते हैं कि बाकी आने वाले जितने भी त्यौहार हैं वो सभी धूमधाम से अच्छे से मनाए जाएं और ये वायरस, ये कोरोना वायरस से हमें जल्द निजात मिले, इसी की हम कामना करना चाहते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये श्रद्धालु जितने भी बैठे हैं ये पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को आज के इस पावन त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।